नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम यहां NTA UGC नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज हर यूनिट को कवर कर रहे थे। तो इस वीडियो से पहले हमने विभिन्न विषयों पर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 2004 से लेकर 2019 तक पूछे गए सारे कहानियों पर प्रश्न को पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो आगे चाहिए तो नीचे कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिए। तो चलिए आज के वीडियो का पहला लेक्चर पढ़ते हैं। प्रकाशक की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी, और इसका अनुक्रम है रानी सारंगा 1910 ईस्वी की है, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी की, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, सदगति 1931 ईस्वी की। इसी तरह प्रेमचंद की कहानियों का अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। ये देखिए 2006 दिसंबर और दिसंबर 2013, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं। इधर भी नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। इसी तरह नवंबर 2017 का प्रश्न है, इसमें कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। इसका सही उत्तर है सी, और प्रेमचंद की कहानियों का अनुक्रम है दो बैलों की कथा जो 1931 ईस्वी की है, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की, कफन 1936 ईस्वी, क्रिकेट मैच 1936 ईस्वी। इसी तरह जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम लगाना है। ये जून 2016 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी, और इसका अनुक्रम है छाया जो 1912 ईस्वी की है, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी की, आकाशदीप 1929 और इंद्रजाल 1936 ईस्वी। इसी तरह दिसंबर 2014 का प्रश्न है जो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का है, अनुक्रम लगाना है। इसका सही उत्तर है ए, और अनुक्रम है प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936 ईस्वी। इसी तरह छठवां प्रश्न है जो जून 2014 का है, आगे की निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है डी, विपत्तगा है 1937 ईस्वी, परंपरा 1944 ईस्वी, शरणार्थी 1948, अमर वल्लरी है 1955 ईस्वी। इसी तरह कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2010 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी, और इसका अनुक्रम है रानी केतकी की कहानी जो इंशा अल्लाह खां की है 1872 की है, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो 1915 ईस्वी की, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है जो 1950 की, तिरछी उदय प्रकाश की है जो 1989 की है। इसी तरह आठवां प्रश्न है जो जून 2017 का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है सी, और उसका अनुक्रम है रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की जो 1872 ईस्वी की है, वामा शिक्षक है ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय की जो 1872 की, भाग्यवती है श्रद्धा राम फिलौरी की जो 1877, परीक्षा गुरु है श्री निवास दास जो 1882 की है। इसी तरह दिसंबर 2007 का प्रश्न है, कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर तो नहीं है इसमें, क्योंकि UGC नेट ने इसका सभी को मार्क्स दिए थे, इसमें मतभेद है इसके आंसर में। तो हम इसका कालक्रम पढ़ लेते हैं। इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी की है जो 1900 ईस्वी की है, वापसी उषा प्रेमानंदा की है जो 1960, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, और इसका मुझे सन नहीं मिला, तो आपको मिले तो आप नोट डाउन करिएगा। यह गान अखिलेश की है, इसका भी नहीं मिला मुझे तो आप नोट डाउन करिएगा इसका भी। दसवां प्रश्न है दिसंबर 2015 का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है बी, अनुक्रम है
इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है जो 1900 ईस्वी की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो 1915 ईस्वी की, मरकील है यशपाल की जो 1934 ईस्वी, कफन प्रेमचंद्र की है जो 1936 ईस्वी की है। इसी तरह दिसंबर 2016 का प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ए, इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी की है, ये 1900 ईस्वी की है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है जो 1902 ईस्वी की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है जो 1903 ईस्वी की है। दुलाई वाली है बंग महिला की जो 1907 ईस्वी की है। इसी तरह 12वां प्रश्न है जो जून 2018 का है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है डी, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव प्रे की है 1901 ईस्वी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 ईस्वी की। राजा निर्वसिया है कमलेश्वर की जो 1957 ईस्वी, परिंदे निर्मल वर्मा की है जो 1960 ईस्वी की है। ये सारे क्वेश्चन हैं, देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको पढ़िए अच्छे तरह से। जो भी कवि आ रहे हैं इन सारे कवियों के कहानियाँ उपन्यास सारे कर लीजिए, गद्य विधाएँ। इसी तरह रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है, ये दिसंबर 2008 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी, और अनुक्रम है 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है जो 1903 ईस्वी, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र की है 1932 ईस्वी की है, यारों का यार कृष्णा सोबती की है जो 1967 की है, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है जो 2001 की रचना कहानी है। इसी तरह प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए, ये दिसंबर 2009 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए, और दुलाई वाली बंग महिला की है जो 1907 ईस्वी, आंधी जयशंकर प्रसाद की है जो 1931, पाजेब जैनेन्द्र की है जो 1945, यारों के यार कृष्ण सोबती की है जो 1967 की है। इसी तरह रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, ये दिसंबर 2012 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है बी, अनुक्रम है धुलाई वाली बंग महिला की है जो 1907 ईस्वी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है जो 1903 की है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की है जो 1916 ईस्वी, दोपहर का भोजन है अमरकांत की जो 1956 ईस्वी की है कहानी है। इसी तरह जून 2013 का प्रश्न है, प्रकाशन को दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए, ये इसका सही उत्तर है बी, अनुक्रम है धुलाई वाली बंग महिला की है जो 1907 ईस्वी, ग्राम जयशंकर प्रसाद की है जो 1911 ईस्वी, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की है जो 1916 ईस्वी, पाजेब है जैनेन्द्र की जो 1945 ईस्वी की है। इसी तरह 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कृति काल क्रम कौन सा है, दिसंबर 2004 का है प्रश्न, इसका सही उत्तर है डी, और इसका अनुक्रम है सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो 1911 ईस्वी की है, दो बांग के भगवती चरण वर्मा जो 1936 की है, शरणार्थी अगे की है जो 1948 ईस्वी की है, ठुमरी फणेश्वर नाथ रेणु की है जो 1959 की है। इसी तरह 18वां प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, ये जून 2008 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है बी, और इसका अनुक्रम है सुखमय जीवन जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है जो 1911 ईस्वी की है, ममता जयशंकर प्रसाद की है जो 1929 ईस्वी, गूंगे रंगे राघव की है जो 1945 ईस्वी, जिंदगी और जौक है अमरकांत की है जो 1958 ईस्वी। इसी तरह कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, ये दिसंबर 2005 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर तो नहीं है क्योंकि मतभेद है इस क्वेश्चन में भी, UGC नेट ने इसका भी सभी को मतलब मार्क्स दिया था। इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं हम, बुद्धू का काटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है जो 1914 ईस्वी, पूस की रात प्रेमचंद्र की है जो 1930, पत्नी जनेन्द्र की है, और इसका नहीं मिला मुझे, आप अगर आपको पता है इसका तो नीचे कमेंट में बताइएगा, परिंदे निर्मल वर्मा की है जो 1960 की है। इसी तरह 20वां प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, ये जून 2006 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है सी,
उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो 1915 की है, कफन प्रेमचंद्र की है जो 1936, रोज अगे की है, और यही सच है मनु भंडारी की जो 1966 की है। इसी तरह 21वां प्रश्न है जो जून 2007 का है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, और अनुक्रम है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो 1915 ईस्वी की, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की जो 1950 की, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की है जो 1959 की, तिरछ है उदय प्रकाश की जो 1989 की है। इसी तरह 22वां प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम अनुसार अनुक्रम में लगाइए, ये दिसंबर 2010 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की है जो 1915 की है, कफन प्रेमचंद्र की है जो 1936, वापसी उषा प्रेमवंत की है, प्रेमवंदा की है जो 1960, तिरछ है उदय प्रकाश की जो 1989। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इनको ध्यान में रखें, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो 23वां प्रश्न है कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए, जून 2011 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी, अनुक्रम है ग्राम जयशंकर प्रसाद की है जो 1911 ईस्वी, कफन प्रेमचंद्र की है जो 1936, डिप्टी कलेक्टर है अमरकांत की जो 1955, पाल गोमरा का सकूटर है उदय प्रकाश की जो 1997 की है। इसी तरह 24वां प्रश्न है जो दिसंबर 2019 का है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन हैं वही रिपीट हुए हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर है बी, ये दिसंबर 2019 का प्रश्न है, देखिए जो अभी हुआ था पिछले साल दिसंबर में, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है जो 1915, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की 1928, ईदगाह प्रेमचंद्र की है जो 1933, परिंदे निर्मल वर्मा की है जो 1960। इसी तरह दिसंबर 2006 की है, कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है डी, पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद की जो 1936, कफन प्रेमचंद्र की है जो 1936, और राजा निर्बसिया है कमलेश्वर की जो 1957, वापसी उषा प्रेमवंदा की है जो 1960 की। इसी तरह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए जो दिसंबर 2011 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है ए, और पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की है जो 1916, परिंदा यशपाल की है जो 1944, पर्दा यशपाल की है जो 1944 की है, अब परिंदे निर्मल वर्मा की है जो 1960 की, बाल गोमरा का सकूटर उदय प्रकाश का है जो 1997 की है। इसी तरह 27वां प्रश्न है जो जून 2015 का है, कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना है, इसका सही उत्तर है डी, फांसी है जनेंद्र की जो 1929, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है जो 1932, सतमी के बच्चे राहुल साकृत्यायन की है जो 1935 ईस्वी, दो बांके हैं भगवती चरण वर्मा की जो 1936 की है। इसी तरह 28वां प्रश्न है जून 2012 का है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ए, बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र की है जो 1934, वापसी है उषा प्रेमवंदा जो 1960, डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग की है जो 1978, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की है जो 1997 की है। इसी तरह 29वां प्रश्न है नवंबर 2017 का प्रश्न है, इसमें कहानी संग्रहों को अनुक्रम में लगाना है, इसका सही उत्तर है ए, अनुक्रम है शरणार्थी जो अगे की है जो 1948 की है, परिंदे निर्मल वर्मा की जो 1960, कामरेड का कोट है संजय 1993, डायन भीष्म साहनी की है जो 1998। इसी तरह 30वां प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है, ये जून 2017 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है ए, अनुक्रम है शरणार्थी अगे की है जो 1948 की, ठुमरी है फणीश्वरनाथ रेणु की जो 1959, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की कहानी रचना है 1971 की है, शोभा यात्रा भीष्म साहनी की है जो 1981। इसी तरह 31वां प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का अनुक्रम क्या है, ये दिसंबर 2018 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी,
और इंसान का खंडर है मोहन राकेश की जो 1950 की है, परिंदे निर्मल वर्मा की है जो 1960, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की है जो 1971, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है जो 2001 की है। देखिए एक बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, में तो खुद देख के हैरान हूँ इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मैंने तो इनको एक साथ पढ़ा था, इस तरह से चैप्टर वाइज मैंने नहीं पढ़ा था। अब मुझे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। और आप इनको ऐसे याद करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए 32वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है, उसका सही उत्तर है बी, अनुक्रम है गदल रंगे राघव की है, डिप्टी कलेक्टर है अमरकांत की जो 1955 की है, वापसी उषा प्रियमंदा की है जो 1960, फेस के इधर उधर ज्ञान रंजन की है जो 1968 की है। इसी तरह 32वां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी, और अनुक्रम है तेरे मेरे प्रतिरूप अगे जो 1961 की है, भूख के तीन दिन यशपाल की है जो 1968 की है, सतह से उठता आदमी जो मुक्तिबोध की रचना है ये 1971 की है। इसी तरह एक धनी व्यक्ति का बयान ये अमरकांत की कहानी है जो 1997 की है। इसी तरह 34वां प्रश्न है जो जून 2014 का प्रश्न है, महिला रचनाकारों के निम्नलिखित कहानियों का संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है बी, अनुक्रम है यही सच है मनु भंडारी की जो 1966 की है, जोड़ बाकी शशि प्रभा शास्त्री की है जो 1981, एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की है जो 1983, बोलने वाली औरत ममता कलिया की है जो 2000 की है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने 2004 से लेकर 2019 तक के सभी कहानियों को एक जगह संग्रहित किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए विषय के साथ।